अच्छा रुको 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 रुको, फाड़ देगा ये तुम्हारा। घर कहाँ भाग रहा है? घर भाग रहा है। अभी हमने मिलाया है ये सारे चीज और अभी ये खरीद के लाए हैं ताकि कहीं भी जाएं तो कोई दिक्कत ना हो, कहीं पे भी बिछाओ, किसी भी पार्क में, किसी भी स्पेस में बिछाओ और आराम से सो जाओ थके हुए हो तो। तो ये तो मैंने इसलिए लिया है कि ट्रैवल करते वक्त कब कहाँ पे रुकना पड़ जाएगा पता नहीं, अगर वहाँ पे होटल नहीं मिला या स्टे करने की जगह नहीं मिली या फिर इतना हमारे पास पैसे ना रहा तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये टेंट लिया था। वैसे मैंने टेंट अभी बनाया है, कैसे बनाया है ये वीडियो भी मैंने डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। टेंट का कुछ मजा ही कुछ और है। टेंट में अभी बनाया ना तो बहुत मज़ा आया, सब अभी तो पहली बार बनाया हूँ तो इतना मज़ा आया। मैं सोच रहा हूँ जब मैं इसमें रहने लगूँगा बाहर में तब कितना मज़ा आएगा। अभी का तो आप देख ही रहे, अभी जस्ट बनाया। मेरा डोरेमोन भी मेरे साथ ही खेल रहा था और उसने तो भूकंप ला दिया इसी के अंदर, पूरा ये टेंट ही घूम गया। मैं कुछ ऐसा बैग लूँगा जो कैरी कर सकूँ बढ़िया से, जो बैकपैकर्स यूज़ करते हैं। तो जब मैं वो बैकपैकर्स वाला जब बैग लूँगा तो वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा और कौन सा मैंने लिया है। ये टेंट बहुत लाइट वेट है, इसमें स्पेस बहुत अच्छा है, तीन लोग आराम से रह सकते हैं। मतलब थोड़ा सा मेरे हिसाब से हाँ दो लोग कंफर्ट रह सकते हैं, तीन लोग मैनेज कर सकते हैं उसमें। तो इतना स्पेस है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये वाटरप्रूफ है, तो अगर बारिश भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हैं। बस अगर ठंड है तो ये ठंड को मैनेज नहीं कर सकता है, बाकी मौसम को ये मैनेज कर सकता है। और ज़्यादा हवा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा टेंट हवा में ही उड़ जाएगा। और इसके साथ मैं स्लीपिंग बैग भी लूँगा, अभी मैंने लिया नहीं है तो वो मैं चेक करूँगा कौन सा बेटर है, स्लीपिंग बैग भी लूँगा। बाकी मैं इसका मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, मैं उसकी लिंक नीचे डाल दूँगा, अगर आप लोगों को भी ख़रीदना होगा, ट्रैवल करना हो तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। मेरे लिए तो अभी ये बेस्ट है, मैंने अभी जस्ट इसको बनाया है और यूज़ करके देखा है, मेरे लिए तो सही है। अंदर में भी कम्फर्ट है इसका, जो अंदर का जो ये क्वालिटी है ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूज़ करने के बाद भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं। इसे बनाना और इसे कैरी करना इतना इजी है कि बस बनाओ और एक छोटा सा बैग है उसके अंदर पैक करो और कहीं भी लेके जाओ। और ये लाइट वेट होने के कारण बहुत अच्छा है। ये देखो इसका कवर इतना छोटा सा ही है, फोल्ड करने के बाद इसके अंदर आ जाएगा। और मुश्किल से ये 250 से 400 ग्राम के करीब होगा, मैंने वेट चेक नहीं किया है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है यूज़ करने में। और इसके अंदर कोई टूल्स भी है, हाँ ये मिट्टी में घुसाने के लिए, हाँ। तो ये जो टूल है, ये टूल यहाँ पे जो फर्श है, फ्लोर है, तो इस पर तो नहीं हो सकता है, जहाँ पे मिट्टी होता है उसको नीचे इसमें डाल के फंसा सकते हैं। चारों कोने के लिए होता है, चारों कॉर्नर के लिए, तो ये टूल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इस टूल्स का कोई यूज़ नहीं है तो इसको इसके अंदर डाल दिया मैंने, जब बाहर कभी यूज़ करूँगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मेरा टेंट उड़ ना जाए हवा में, अगर हवा में उड़ गया तो गया।
फाड़ देगा ये तुम्हारा घर कहाँ भाग रहा है घर